हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरे साथ ही हैं। मैं हूं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आज रिएक्शन ब्लॉग में सिटी लेकर आए हैं वो है सोलापुर। सोलापुर को सोलापुर क्यों कहा जाता है और ये कितना डेवलप है, आए मिलकर ये देखते हैं। उसके बाद इस पर मजीद गपशप होगी। दोस्तों, ये है महाराष्ट्र के साथ वेस्ट में बसा बड़ा ही मशहूर जिला, जिसे सब लोग सोलापुर के नाम से जानते हैं। ये जिला अपने हैंडलूम उद्योग की वजह से भारत भर में फेमस है। दोस्तों, ये जगह महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में होने वाले व्यापार और प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सोलापुर शहर इस क्षेत्र के बड़े रोड और रेल मार्गों पर मौजूद है। यहाँ पुणे, मुंबई, बेंगलोर, कलबुर्गी और विजयपुरा जैसे बड़े शहरों के बीच रेलवे लाइन और रोड्स की बेहतरीन व्यवस्था है। दोस्तों, पूरे जिले की बात करें तो इसका पूरा क्षेत्र 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर 11 तहसीलें जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने में बहुत मदद करती हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा मात्रा में बीड़ी और सिगरेट बनाई जाती हैं। जिले की इकोनॉमी को देखते हुए यहाँ अन्य राज्यों से भी ढेर सारे लोग काम करने आते हैं। इसी वजह से इस जिले में 43 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जिले के क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या को बांटा जाए तो 290 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व बनता है, लेकिन सोलापुर शहर में ये घनत्व 9600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो लगभग 1600 साल पहले इस जगह पर आबादी की बसासत शुरू हुई। उस समय यहाँ पर 16 छोटे छोटे गांव बसे थे। इस पूरे 16 गांव के क्षेत्र को सोलापुर के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक का बॉर्डर इस जगह के पास में ही लगता है, इसलिए इसको कन्नड़ा भाषा में सोनालागी भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत में लिखे एक अभिलेख में इस जगह को सोनालीपुर के नाम से भी लिखा गया है। आज सोलापुर को महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। सोलापुर के अनार भारत भर में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा अनार की बागवानी की जाती है। यहाँ पर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट और एशिया की सबसे बड़ी स्पिनिंग मिल मौजूद है। सोलापुर के रायचूर में बहुत बड़ी ट्रांसमिशन लाइन मौजूद है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े क्षेत्र को बिजली सप्लाई देती है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, ये शहर पुराने समय में ही बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर रहा है। यहाँ पर कपास और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे तौलिए, चादरें और बेडशीट आज तक भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी भी इस जिले में काफी मात्रा में की जाती है। ज्वार, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें इस इलाके में बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ के कल्चर की बात करें तो यहाँ के लोग बड़े ही घुले मिले लोग हैं। पूरे जिले में आपको तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी बोलने वाले लोगों की अधिकता देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि जिला महाराष्ट्र का हिस्सा है, इसलिए यहाँ ज्यादातर लोग मराठी ही बोलते मिलेंगे। यहाँ के खाने भी पूरे एशिया में मशहूर माने जाते हैं। आपको इस शहर में जाकर बस पूछना है, भाऊ इथे काय प्रसिद्ध है, इतना बोलते ही आपके दस्तरखान पर स्पाइसी चिकन, टैंगी चिकन या फिर जायकेदार मटन, भाकरी और सेंगरी चटनी के साथ परोसा जाएगा। खुशबू और जायके से लबरेज इस शानदार ट्रीट के बाद आपको यहाँ का श्रीखंड और स्वादिष्ट पेड़े का स्वाद चखाया जाएगा। अगर इतना सब जानने के बाद आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो यहाँ जाने के ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस शहर के पास खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो सोलापुर के सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन रीजनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर आसपास के शहरों तक ही फ्लाइट जाती है। मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद से यहाँ आप ट्रेन लेकर भी आ सकते हैं। यहाँ MSRTC द्वारा सरकारी बस सर्विस दी जाती है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र के कई शहरों तक जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आप शहर में या शहर से बाहर कहीं भी जाने के लिए कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको सोलापुर को ये समझ लग गई होगी कि सोलापुर को सोलापुर क्यों कहा जाता है। 1600 साल पहले ये भारत का इतिहास है कि वहाँ पे 16 बस्तियाँ थी जो मिली और उनका नाम जो है सोलापुर के नाम से रखा गया। लेकिन जो नोट करने वाली बात है कि ये एक कदीमी इंडस्ट्रियल हब था, और ये इंडिया के पास सोलापुर एक एडवांटेज है कि ये एक कदीमी इंडस्ट्रियल हब पर काम कर रहे हैं और उसको मजीद बेहतर किया है। और जो नज़र भी आ रहा है, सोलापुर एक इंडस्ट्रियल के लिहाज से, कॉटन फील्ड्स के लिहाज से, खेती बाड़ी के लिहाज से, और जो सबसे बड़ी अहम बात जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर, जब हम बाज़ार में यहाँ पाकिस्तान मार्केट में जब कभी हम अनार लेने जाते हैं ना, तो जब दुकानदार की और गाहक की आपस में बहस होती है, यार मुझे अनार अच्छा चाहिए और मीठा चाहिए और मुझे ज़रा सस्ता चाहिए, तो फिर वो कहते हैं, भाई बात सुने, ये सोलापुर से आया हुआ है।
तो हम वो शायद हैरान हो जाते थे यह सोलापुर कहाँ है। अब पता चला सोलापुर तो इंडिया में है और इंडिया के अनार जो है इतने मशहूर हैं कि यहाँ तक पाकिस्तान में भी कहा जाता कि ये सोलापुर से आए। पता नहीं वहाँ से आते भी हैं या नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर कहते हैं कि ये सोलापुर से आए और इसलिए महंगे भी हैं और ये अच्छे भी हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का रिएक्शन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।